हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो भाई एक चीज मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आज मेरे लिए बहुत मतलब खुशी वाला दिन बोलूंगा बिकॉज एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या आप इस स्क्रीन पे? नोटिस करो मेरे बिल्डर्स, गाइस ऑल बिल्डर्स अवेलेबल, मतलब समझ रहे हो इसका मतलब? जी हाँ, क्लिक ऑन दैट ऑल बिल्डर्स अवेलेबल, आई एम 100% मैक्स्ड, नथिंग लेफ्ट ऑन माई विलेज, सब कुछ मैक्स कर लिया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब बिल्कुल फन के लिए प्ले करने वाले, अब कुछ ऐसा बर्डन नहीं है कि मेरे को कुछ करना है, मतलब सब कुछ हो चुका है। अब क्या करना है, अब करना है चिल, बस चिल ही करेंगे अब। एंड सब कुछ मैक्स कर चुका हूं मैं, अगर मैं मेरी लैब दिखाऊं सो नथिंग लेफ्ट ऑन माई लेबोरेटरी टू, एंड अगर मेरे पेट दिखाऊं तो पेट आर ऑल्सो मैक्स्ड, मतलब कुछ नहीं बचा, बॉल्स एवरीथिंग इज मैक्स्ड, नथिंग, रेडी फॉर द नेक्स्ट अपडेट। एंड डन यार, भाई बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, इस बार मैंने फुल मैक्स कर दिया। मेन चीज होती है ये ट्रैप्स, जो ये बंच में ट्रैप्स होते हैं ना, इनको अपग्रेड करने में लग जाती है भाई, एक एक बॉम्ब 8-9 दिन मांग लेता आफ्टर गोल्ड पास, गोल्ड पास परचेस करने के बाद भी, मतलब क्या बोले, हे हाय क्यूटी हाउ आर यू, भाई ये तो मुंह फुला लिया यार ना, चलो उसको डिस्टर्ब नहीं करते अपन, आगे बढ़ते वीडियो में। एंड यही मेरे को आप सभी के साथ एक चीज शेयर करनी थी, जो अपन 100% मैक्स आउट हो चुके हैं। एंड अब एक और मैं चीज़ शेयर कर देता हूँ आप सबके साथ, मतलब नहीं करूँगा तो मेरे को थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि उस वाले वीडियो पे मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट मैंने डाला, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मैंने एक व्लॉग आउट किया, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, वेट मैं डिस्प्ले कैप्चर पे वो व्लॉग का फोटो वगैरह दिखा देता हूँ आपको, रुको 2 मिनट, अरे ये ज़्यादा जूम कर लिया मैंने, सो थोड़ा सा और कम, रिमूव दैट, ओके। सो गाइस ये डिस्प्ले कैप्चर देखिए आप, 2 मिनट, There it is, guys, ये पूनो द एडवेंचर पार्क व्लॉग है, अब तक का बेस्ट व्लॉग है। एंड एक चीज बता दूं, इस पे कॉपीराइट क्लेम्स आ चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी सॉन्ग बज रहा था तो बैकग्राउंड में, उनमें म्यूट नहीं करना चाहता, तो वीडियो से अर्निंग कुछ भी नहीं होने वाला है। इस वीडियो पे भी कॉपीराइटेड क्लेम था मेरा, ये वाला व्लॉग सब पे कॉपीराइट क्लेम है। एंड इस चैनल से अर्निंग्स नहीं कर रहा मैं, केवल मेरे को चैनल को थोड़ा सा एक अच्छे मतलब फ्लो में थोड़े व्यूज आए एंड थोड़ा वायरल हो, इसीलिए मैं ये वीडियो भी काफ़ी इन्वेस्टेड है भाई, जाम गए थे, बहुत खर्चा हुआ था। एंड ये जयपुर में है, पूरे राजस्थान का इकलौता ट्रैम्पोलिन पार्क है, बहुत फन व्लॉग है। एंड 23 मिनट्स का आपको पता भी नहीं लगेगा कब 23 मिनट्स निकल गए भाई, ये मैं ही हूँ जो आपको थंबनेल में दिख रहा है, तो जरूर से व्लॉग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो के, अगर प्रीमियर देख रहे हो तो पिन चैट में लिंक होगा, कमेंट देखोगे तो कमेंट में भी, टॉप कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, तो मस्ट वॉच दैट व्लॉग। एंड एक चीज देखना ही काफी नहीं होगा, इसको शेयर करना, मिनिमम लेट्स हिट 1K व्यूज एज सून एज पॉसिबल, शेयर करना आपके हाथ में, देखो मैं खुद से शेयर नहीं करता अपनी कुछ भी चीजें, ठीक है, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। देखो सपोर्ट करोगे चैनल बढ़ेगा तो गिव अवेज वगैरह भी लेकर के आ जाएगा आपके लिए। तो ये बात रही हमारे ब्लॉग की, जो कि लेटेस्ट ब्लॉग में आउट कर चुका हूँ, मस्ट चेक इट आउट। एंड चलो अब चलते आगे की तरफ, अभी मैं क्या गाइस रॉयल गोस्ट इन और गेम क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो मेरा आर्मी है ईडी के साथ में, रॉयल गोस्ट का स्टैक मैंने ले रखा है, एंड उस स्टैक में अगर आप देखोगे तो 8 रॉयल गोस्ट में यूज कर रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रोज एंड जो बचे हुए 9 वो बैलून्स, इसको लेकर के अपन एक अटैक करेंगे, फन अटैक से, एवरीथिंग इज मैक्स, नथिंग इज लेफ्ट, लूट इज फुल, ट्रेजरी इज फुल, मतलब खत्म। एंड बिल्डर बेस दिखाऊं ना, तो बिल्डर बेस मेरा तो सालों पहले मैक्स हुआ पड़ा है, मतलब आप तो बस वेटिंग फॉर द बिल्डर होल 10, वेटिंग फॉर दिसंबर अपडेट, एंड आई एम सो एक्साइटेड, एंड देखते भी क्या होता है। चलो अटैक पर जा रहा हूँ मैं, आज का पहला अटैक है, डन अभी अपन करते हैं, एंड देखते गाइस क्या होता है, लाइव अटैक ही कर रहा हूँ मैं आप सभी के सामने। सो देयर इट इज द बेस, अब गाइस ये बेस थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, अब इसमें मेरे को ईडी की पोजीशन देखनी पड़ेगी, मेरे को ईडी की तरफ से डिप्लॉय करने, एंड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है यार इस वाले अटैक में, क्योंकि जो रॉयल गोस्ट है वो मेरे पास इतने नहीं है कि वो टाउन हॉल निकाल ले, तो ऑफकोर्स टाउन हॉल नहीं निकलने वाला, तो वो मुझे पता है। अब टाउन हॉल नहीं निकलेगा तो मेरे को क्या करना है, हीरोज बचा के रखना है, ईडी से मेरे को पहले बेस कवर करना है। तो चलो यहां पर अपन डालते हैं एक रॉयल गोस्ट इधर, एक रॉयल गोस्ट इधर, वो उधर निकल लेगा, एक रॉयल गोस्ट इधर, एंड मेन तो ये फनल वाला पाथ जो मेरे को क्रिएट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो हिडन टेस्लास वगैरह है ये सब मैं टेक डाउन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, इजिली टेक डाउन हो जाएंगे। एक मैं इधर डाल लेता हूँ यहाँ पर, एंड वो एक एयर डिफेंस भी अगर ये निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इट इज फाइन, डेफिनेटली इट्स अ फाइन। ओके, यहाँ पर गाइस सब कुछ हो चुका है, मैं किंग एंड क्वीन को डिप्लॉय कर रहा हूँ कॉर्नर में, ताकि वो एटलीस्ट जो कि ये नूबड़े है क्या कहते हैं ये आइस गोलम्स, उनको वो ले जाए अपर मतलब अलग साइड। एंड यहाँ से अपन ईडी डिप्लॉय कर लेंगे,
बैलून डिप्लॉय कर लेंगे, ग्रैंड वार्डन डिप्लॉय कर लेंगे, वार्डन एबिलिटी दे देंगे, डबल रेज यूज कर देंगे, डबल फ्रीज यूज कर लेंगे, एवरीथिंग इज डन, पॉइजन डाल देंगे इलेक्ट्रो ये इन पर, एंड डबल फ्रीज और यूज होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकवर्ड में जा चुके थे मेरे ईडीज, तो वो बैकवर्ड नहीं रहनी चाहिए, एक और फ्रीज जो लास्ट बचा वो यूज कर लेते हैं, एंड डन, टाउन हॉल निकल जाएगा। ईडीज यहाँ पर मेरे पास कहीं ना कहीं कम है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ऑफ कोर्स मेरे लिए हो रही है। किंग क्वीन का एबिलिटी यूज कर लेते हैं, डन। अभी दो रॉयल गोर्स बचे हुए हैं, रेज स्पेल बचा हुआ है, यहाँ से अपन अपना डिप्लॉय कर देते हैं रॉयल चैंपियन को, तो वो थोड़ी हेल्पिंग कर लेगी। अभी अपने पास बचा हुआ है स्टोन स्लैमर, वो मैं यहाँ रॉयल चैंपियन के साथ में डिप्लॉय कर रहा हूँ, एंड रॉयल गोस्ट बचे हुए, दो गोस्ट को डिप्लॉय कर लेते हैं, एंड बाकी फाइन अभी तक सही जा रहा है। एंड यहाँ पर गाइज अभी एयर डिफेंस को टेक डाउन करना पड़ेगा, रॉयल चैंपियन ने हालांकि कर दिया, सो फाइन। एंड अभी यहाँ पर विजार्ड ये सब मैं इधर ही डिप्लॉय कर लेता हूँ फॉर हेल्पिंग क्वीन, एंड बेस अभी बचा तो हुआ है बट इतना भी नहीं बचा हुआ कि मतलब कुछ होगा नहीं। यहाँ अपन एक रेज स्पेल यूज कर लेते हैं, एंड एक साथ रेज स्पेल तो यूज कर दी, टैंकिंग भी कर लिया, ईगल आर्टिलरी को टेकडाउन करने में कामयाब हो गया। क्या ड्रैगन राइडर सिंगल ले लेगा, सिंगल भी ले लिया, चलो अच्छा है। अगर ये वाला अटैक में ट्रिपल निकाल सकता था, बट वही वाली बात है ना, मैं पूरा ईडी का चेक लेकर के नहीं आया, और 8 रॉयल गोस्ट यहाँ पर टाउन हॉल टेकडाउन नहीं कर पाते, तो ऑफकोर्स एक 2-star हाई परसेंटेज हुआ। एक चीज और बताना मुझे कमेंट में, आप क्या किस तरीके से यूज कर रहे हो रॉयल गोस्ट को। अब कुछ लोग बोलेंगे वो बैट वाला आर्मी एक बहुत ज्यादा चल रहा है, बट यार वो आर्मी मेरे टाइप का नहीं यार, मैं ट्राई किया था बट वो मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं, और मैं इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता सीखने में। उसके पीछे का रीजन मैं आपको दे दूं, इट्स एन अ सीजनल ट्रूप यार, रॉयल गोस्ट सीजनल ट्रूप है, कुछ दिनों में चला जाएगा, देन वॉट वी कैन डू। तो इसीलिए मैं अपना मेन जो अटैक है ईडी अटैक, उसको स्ट्रांग ही रखना चाहता हूँ, कभी भी उसको वीक नहीं होने देना चाहता, तो ये एक रीजन है। इसीलिए मैं वो देखो, मैं अभी अपना बैटल लॉग अटैक लॉग दिखाता हूँ, मैं कल वो ट्राई किया, ये देख सकते हो, ये मास रॉयल गोस्ट के साथ में जो वो बैटिंग वाला अटैक है ट्राई किया, बट इतने अच्छे मेरे को रिजल्ट नहीं मिले जितना अच्छा मेरे को ईडी रिजल्ट दे रहा था। सो ये एक रीजन था कि मैं रॉयल गोस्ट में वो वाला पर्टिकुलर आर्मी को यूज नहीं कर रहा। आप कौन सा आर्मी यूज कर रहे हो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, एंड ये व्लॉग जो मैंने अभी आपको बताया जरूर से देखना, वीडियो के एंडिंग पे एंड स्क्रीन पे भी आपको यही वाला व्लॉग देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी 4K क्वालिटी में वीडियो को आउट किया गया है, एंड भाई 4K है यार, समझो, जाकर सारे देख लेना। और फिलहाल की वीडियो में इतना ही, आई होप अच्छी लगी होगी, एंड आर यू एक्साइटेड फॉर सुपर दिवाली, आने वाला है मेरे भाई सुपर दिवाली टाउन हॉल 9 टूर्नामेंट, किस किसने पार्टिसिपेट किया है कमेंट में बताना। हमारी टीम उतर चुकी है INS विक्रांत के नेम से, एंड देखते हैं किस तरह से हमारा टाउन ऑनलाइन का टूर्नामेंट जाता है, बाकी आई डोंट नो, अब जो होगा देखा जाएगा। एंड एक और न्यूज़, इंडियन क्लैशर बहुत अच्छा प्ले किया, ऑलमोस्ट 3rd आए वो क्वालिफायर्स में, सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियन क्लैशर, यू डिड अ ग्रेट जॉब, बट स्टिल मेनी मोर टू अचीव, बहुत सारी चीज़ें बाकी है, इस बार नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, एंड या इंडिया का नाम ऊपर करना है, तो भाई इंडियन क्लैशर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना ना भूलना, वो जहां तक भी गए भाई बहुत बड़ी बात है, तो मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट इंडियन क्लैशर्स होल टीम, डिड अ ग्रेट जॉब, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, एंड चलो अब निकलते हैं अपन, क्लैश ऑन अ नाइस डे क्लैशर, लव यू ऑल।